देखो आयनिक रेडियस के कुछ भी क्वेश्चन हो, जैसे आयन्स क्या होते हैं, आयन्स दो तरह के होते हैं, कटायन अनायन, कटायन पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन, क्लियर है? तो कटायन की जो साइज होती है वो उसके पेरेंट एटम से छोटी होती है ना, और अनायन की पेरेंट एटम से बड़ी होती है। पहली चीज तो ये याद, याद करने का तरीका मैं बता देता हूँ, कोई से भी अगर कंपैरिजन आ जाए, जैसे एक कंपैरिजन आ रहा है H प्लस H एंड H माइनस, तो किस तरह से हमें करने ये वाले क्वेश्चन, ये समझना। सबसे पहले तो प्रोटॉन काउंट करो, तीनों एक ही एटम है तो सब में प्रोटॉन कितना होगा, जितना उनका एटॉमिक नंबर है। इलेक्ट्रॉन काउंट करो, ये पॉजिटिव आयन तब बना जब इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया होगा, तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन जीरो है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने, वन, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने, टू। ठीक है, एक तो ये वाला एग्जांपल है, एक और एग्जांपल बना बताता हूँ मैं। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ओ ओ माइनस एंड ओ माइनस टू, प्रोटॉन सभी में सेम होंगे, इसमें भी एट, इसमें भी एट, इसमें भी एट। इलेक्ट्रॉन इसमें तो एट ही है क्योंकि न्यूट्रल है, प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसमें कितने होंगे, नाइन होंगे ना, और इसमें कितने हाँ होंगे, सर, टेन। अब देखो यस सर, एटम का स्ट्रक्चर जो था उसमें न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अंदर सारे प्रोटॉन्स थे जो कि क्या देने वाले हैं, जेड इफेक्टिव देने वाले हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज, जिसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हैं। अब इस चीज को समझना, जो प्रोटॉन्स है वो तो खींचेंगे, कौन क्या करेंगे, प्रोटॉन खींचेंगे अपनी तरफ, अगर वो खींच पाते हैं तो आपका जो एटम है वो श्रिंक होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, एटम हो या आयन। अब हमें है ना इन तीनों को कंपेयर करना है, इन तीनों में देखो कि तीनों में सबसे पावरफुल जेड इफेक्टिव कौन दे रहा होगा। इसको इस तरह से सोचो कि अपन वो टग ऑफ वॉर गेम आता है ना, स्कूल्स में आपने खेला होगा, रॉप को खींचते हैं, दो टीम रहती है, पी वाली टीम में कितने जने हैं, आठ लोग हैं, आठ प्लेयर्स हैं, ई वाली टीम में कितने, फर्स्ट केस में एट है, सेकंड केस में नाइन है, थर्ड केस में टेन, तो सबसे ज्यादा कौन खींच पा रहा होगा, आठ लोग आठ को सबसे ज्यादा खींच पा रहे, मतलब सबसे छोटा कौन होगा, ये वाला होगा ना, समझ रहे हो क्या हाँ बोल रहा हूँ मैं। अब देखो इस वाले सर, केस में आठ लोग नौ लोगों को खींच रहे हैं, सामने वाली टीम में एक जना और बढ़ गया है, एक जना और बढ़ गया तो कम खींच पा रहे होंगे, तो सबसे छोटे से एक बड़ा कौन होगा, ये वो सबसे बड़ा कौन होगा। अब आठ लोगों को दस लोगों को खींचना पड़ रहा है, सामने वाली टीम में एक और बढ़ गया तो उतना नहीं खींच पाएंगे ना, उतना नहीं खींच पाएंगे, तो सबसे बड़ा कौन होगा, ओ माइनस। समझ आया ये वाला एग्जांपल, यस समझ आया? सर, एक और एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल है Na प्लस और Na का, यहाँ पे प्रोटॉन, इसमें भी 11, यहाँ पे भी 11, क्योंकि प्रोटॉन तो सेम होते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफर कर सकते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 10, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इसमें 11 ही होंगे क्योंकि न्यूट्रल, क्लियर? अब यहाँ पे 11 लोगों को ओनली 10 खींचने पड़ रहे हैं, और यहाँ पे 11 लोगों को 11 खींचने पड़ रहे हैं, कौन ज्यादा खींच पाएगा, ये ना, ये ज्यादा खींच पा रहा है तो छोटा ही होगा, एटम श्रिंक होता जा रहा है, ये सोचो कि आउटर मोस्ट वाली जो शेल है उसको हम रस्सी बांध के खींच रहे हैं तो वो ज्यादा पास आएगा ना, आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल ज्यादा पास आएगा तो छोटा होगा और श्रिंक होगा, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं। तो यस सर, सोडियम छोटा होगा किससे, सोडियम के पेरेंट एटम, इसको मैं बोल रहा हूँ पेरेंट एटम। एक और एग्जांपल देखो, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एल्यूमिनियम प्लस थ्री, एल्यूमिनियम प्लस टू, एल्यूमिनियम प्लस और एल्यूमिनियम, सभी में प्रोटॉन काउंट करो, प्रोटॉन कितने होंगे, 13, 13, 13, 13, इलेक्ट्रॉन काउंट करो, यहाँ तो होंगे 10, यहाँ 12, इलेवन, यहाँ 11, सॉरी 12 का जी, इलेवन, यहाँ पर 11, यहाँ पर 12 और यहाँ पर 13, क्लियर है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो काउंट करने आते हैं ना हाँ सर, सभी को, उसमें तो दिक्कत नहीं है, आपने मोल कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है तो शायद ना आते हो, नहीं आते हो तो बता दो, आते हैं सभी को? हाँ सर, आते यस हैं, सर। यस अब सर, देखो अब इसमें देखना है हमें सबसे ज्यादा कौन खींच पा रहा होगा, खींचने वालों में की साइड तो 13 है लेकिन सामने वाली साइड तो ओनली 10 है ना,
तो सबसे ज्यादा ये खींच पा रहा होगा, सबसे छोटा ये, उससे बड़ा ये होगा, उससे बड़ा ये, और सबसे बड़ा ये। सबसे कम कौन खींच रहा होगा? एल्यूमिनियम का पेरेंट है। समझ आया? यस इजी है ना, ये ट्रिक है बेटा। कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, आयनिक रेडियस का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन हर क्वेश्चन को इसी तरह से करना है। जैसे एक मैं आइसो इलेक्ट्रॉन का बताता हूँ। एक है Na प्लस, एक है Mg प्लस टू, एक है एल्यूमिनियम प्लस थ्री, और एक है F माइनस, O माइनस टू, N माइनस थ्री। सभी में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो। यहाँ पर प्रोटॉन कितने होंगे? इसका एटॉमिक नंबर 11, इसका 12, इसका 13, इसका 9, इसका 8, इसका 7। इलेक्ट्रॉन काउंट करो, इसके भी 10 होंगे, 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 इसके भी। अब देखो, कंपेयर करो खुद के दिमाग में, सोचो कि सबसे ज्यादा कौन सा खींच रहा होगा। जो सबसे ज्यादा प्रोटॉन रख रहा है वो सबसे ज्यादा खींच रहा होगा। दो साइड देखो, टग ऑफ वॉर चल रहे हैं, टग ऑफ वॉर चल रहा है, तो सबसे ज्यादा ये खींच रहा है ना, एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम सबसे छोटा, एल्यूमिनियम का है, उससे बड़ा ये, तो एम जी प्लस टू, उससे बड़ा ये, तो एन ए प्लस, फिर उससे छोटा ये, एफ माइनस, उससे छोटा ये, ओ माइनस टू, देन एन माइनस थ्री, क्योंकि सबसे लेस पावरफुल कौन है? एन माइनस। कंपेयर कर सकते हैं इसे। आगे नए क्वेश्चन इसी तरह से होंगे। आप थ्योरियम कुछ भी लिखें, आपको ये ट्रिक दिमाग में रहनी चाहिए कि आयन के जब भी हमें कंपेयर करना है तो इस तरह से करें। और एक चीज ध्यान रखना, कटायन सबसे छोटे होते हैं, पेरेंट एलिमेंट से भी छोटे होते हैं, पेरेंट एटम से, और अनायन सबसे बड़े होते हैं। एक और एग्जांपल देखो, Fe प्लस टू, Fe प्लस थ्री में कंपेयर करो। Fe भी ले लो इसमें। प्रोटॉन कितने इसके पास? 26, इसके पास भी 26, इसके पास भी 26। इलेक्ट्रॉन कितने इसके पास? 26, इसके पास 24, इसके पास 23। सबसे ज्यादा कौन खींच पा रहा होगा? ये खींच रहा होगा ना। Fe प्लस थ्री तो Fe प्लस थ्री सबसे छोटा, उससे बड़ा Fe प्लस टू, देन उससे बड़ा Fe। समझ आया ट्रिक? यस सर। नहीं आया? श्रेया आया? हाँ सर आ गया। श्रेया रावत, श्रेया अंजलि, अथर्व, बोलो ना बच्चों, यस सर। अनम्यूट होकर आवाज आएगी। श्रेया ने नहीं बोला अभी तक। हाँ अब आ गई आवाज। चलो अभी तो मैं इरेज कर रहा हूँ, है ना, थोड़ी सी थ्योरी लिख लेते हैं, क्योंकि थ्योरी भी इम्पोर्टेंट है। आप आगे चल के रिवाइज करोगे तो क्या देखोगे, ट्रिक याद नहीं, तो थोड़ी सी थ्योरी हम लिख लेते हैं। लिखो, मैं लिखो, आप लिख लोगे? बोलूं मैं? हाँ सर। लिखो। सबसे पहले तो आयनिक रेडियस क्या होती है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस
सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। यस सर। हाँ सर। सर नहीं आ रही सर, आपकी लिपसिंग दिख रही पर आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट रुकना बच्चों, वाईफाई चला गया था। आवाज आ रही है? कहाँ तक लिख लिया था? लिख लिया था क्या फर्स्ट पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट बोलो सर। फर्स्ट पॉइंट तक ही थे, उसके बाद आवाज चला गया। हाँ सेकंड पॉइंट लिखो। हेल्ड लेस टाइटली। सर डेफिनेशन बता सकते हैं? डेफिनेशन बता रहा हूँ, एक सेकेंड ये कंप्लीट कर लूँ मैं। देखो फर्स्ट पॉइंट में समझा देता हूँ, वही है जो मैंने पहले समझाया था। क्या था फर्स्ट पॉइंट में? कि जब अगर हम कटायन कब बनता है, उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है। जैसे सोडियम का कटायन कब बना? जब उसने एक इलेक्ट्रॉन दिया। तो अब जो 11 प्रोटॉन थे वो लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर अपना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डाल रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा चार्ज जा रहा होगा, ज्यादा चार्ज जा रहा होगा तो वो न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोजर जा रहा होगा, क्लोजर जा रहा है तो उसकी साइज छोटी हो रही है। सेकंड पॉइंट में हमने लिखा कि जो अनायन की साइज होती है वो बड़ी होती है। क्यों बड़ी होती है? क्योंकि अनायन कब फॉर्म होते हैं? जब इलेक्ट्रॉन एड होते हैं किसी भी पेरेंट एटम। अब इलेक्ट्रॉन एड हो रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो उतने ही है, तो जो इफेक्टिव चार्ज है वो मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे कम चार्ज लग रहा होगा, कम चार्ज लग रहा होगा तो वो एक्सपांड कर रहा होगा, उसकी साइज एक्सपांड हो रही होगी। क्लियर है ना? यस सर। लिखा है इन एन अनायन एज इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू द न्यूट्रल एटम। ये न्यूट्रल है। द न्यूक्लियर चार्ज एक्ट ऑन मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर मोर इलेक्ट्रॉन। तीसरा देखो, साइज ऑफ आयंस इंक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। जैसे इसमें तो कोई एक्सेप्शन नहीं है, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आएंगे साइज ऑफ अनायन बढ़ती जाएगी। Li प्लस, Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस एंड Cs प्लस। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ते जा रहे हैं। हुआ? वन मिनट सर।
सर कैन यू स्क्रॉल डाउन लास्ट एग्जांपल लिखना है हो गया यस सर हाँ सर कर दूँ रे यस चलो सेकंड फोर्थ नंबर पर लिखो फोर्थ तो मैं डायरेक्ट ही बता देता हूँ लिखने की जरूरत नहीं है डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं अपन तो सब मैंने बता दिए फोर्थ नंबर पे मैं डायरेक्ट एग्जांपल बता रहा हूँ जैसे अगर मुझे सी आर प्लस टू सी आर प्लस थ्री सी आर प्लस फोर सी आर प्लस सिक्स इनमें कंपेयर करना है तो हम क्या करेंगे वही प्रोटॉन काउंट कर लेंगे प्रोटॉन सभी में 24 ही होने वाले हैं एक ही एटम के आयन है ठीक है इलेक्ट्रॉन काउंट करो 24 में से 2 गए 22 21 20 18 सबसे ज़्यादा कौन खींच पा रहा होगा ये क्योंकि सामने वाली टीम में ओनली 18 इलेक्ट्रॉन ठीक है तो सबसे छोटा कौन हुआ सी आर प्लस सिक्स देन सी आर प्लस फोर देन सी आर प्लस थ्री देन सी आर प्लस टू क्लियर है ना yes. दूसरा एग्जांपल देखो सी यू प्लस एंड सी यू प्लस टू में कंपेयर करना है कैसे करेंगे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो प्रोटॉन इसके पास क्या नंबर होता है 29 ये भी 29 इस पे 28 होंगे इसमें 27 होंगे कौन ज्यादा खींच पाएगा सी यू प्लस टू देन सी यू प्लस तो इसका स्टेटमेंट ये था कि अगर एक ही एटम के अलग अलग कटायन से तो जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी बड़ी साइज होगी जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी छोटी साइज क्लियर है इसको इस तरह से भी समझ सकते हो कि ये अपने अंदर से कोई स्पीसीज को बाहर निकालते जा रहे हैं बाहर निकालते जा रहे हैं तो खुद पतले होते जा रहे होंगे अपने अंदर अपन खाना खाते हैं तो मोटे हो जाते हैं ना उसी तरह से अगर ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते जा रहे हैं तो खुद मोटे होते जा रहे होंगे मतलब अनायंस तो क्या बने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके बने तो साइज बढ़ गई होगी कटायंस कब बने अपने अंदर का सामान बाहर निकाल के बने तो पतले हो गए होंगे छोटे हो गए होंगे क्लियर यस सर याद रह जाएगा हाँ सर यस सर फिर देखो अनायंस के लिए अनायंस का मैं Cl- और Cl में करवाता हूँ प्रोटॉन दोनों में 17 17 इलेक्ट्रॉन इसमें 18 इसमें 17 कौन ज़्यादा खींच पा रहा होगा ऑफकोर्स ये तो Cl छोटा होगा Cl माइनस ऑक्सीजन ऑक्सीजन माइनस और ऑक्सीजन माइनस टू को लिखो साथ साथ लिख रहे हो ना ये ऊपर वाला एग्जांपल लिख लिए थे हाँ सर प्रोटॉन सभी में 8 8 8 ही होंगे इलेक्ट्रॉन इसमें 8 इसमें 9 इसमें 10 सबसे ज़्यादा कौन खींच पाएगा ये वाला क्योंकि सामने ओनली 8 है तो सबसे छोटा देन उससे बड़ा ओ माइनस और सबसे बड़ा ओ माइनस क्लियर है यस सर कर दूँ रेस यस सर सिक्स देखो फोर आइसो इलेक्ट्रॉन आइसो इलेक्ट्रॉन कौन होते हैं जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो जो एग्जांपल मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था वही लिखना है हमें सभी में प्रोटॉन तो उनके एटॉमिक नंबर जितने ठीक है इलेक्ट्रॉन सभी में 10 10 होने वाले हैं क्योंकि सब आइसो इलेक्ट्रॉन्स हैं
खुद से सोचो सबसे ज्यादा कौन खींच पाएगा, एल प्लस थ्री देन एम जी प्लस टू देन एन ए प्लस देन एफ माइनस देन ओ माइनस टू देन एन माइनस टू। इजी है ना? यस सर। करो नोट, क्वेश्चन लिखो। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग बेटा, सब बोरिंग वाला पार्ट कर चुके हैं हम इस चैप्टर का, सारा इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है तो ध्यान देना है ना। वो हिस्ट्री वगैरह जितनी भी देखी थी वो सब इतनी काम की नहीं है जेई मेंस एडवांस के लिए जितना ये वाला पार्ट। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आई माइनस आई एंड आई प्लस, दूसरा क्वेश्चन है एच प्लस एच एंड एच माइनस, तीसरा क्वेश्चन है सी एल माइनस सी एल सी एल प्लस सी एल प्लस थ्री सी एल प्लस सेवन, चौथा क्वेश्चन है एन माइनस एन प्लस और एन, पांचवा क्वेश्चन है सी माइनस फोर एफ माइनस ओ माइनस टू, छठा क्वेश्चन है एफ माइनस एच माइनस सी एल माइनस, सातवा क्वेश्चन है एच माइनस ओ माइनस टू एफ माइनस। ये दोनों क्वेश्चन मैं बताऊंगा, इससे ऊपर वाले आप करो, ये ना एक्सेप्शन है। डन सर। हो भी गया? हाँ सर। यहाँ पर देखो कटायन अनायन पेरेंट एटम में कंपेयर करना है तो अनायन सबसे बड़ा देन पेरेंट एटम देन कटायन, यहाँ पर भी सेम है कटायन सबसे छोटा देन पेरेंट एटम देन सबसे बड़ा अनायन, यहाँ पर भी सेम है सबसे छोटा कौन होना चाहिए ये, क्योंकि सबसे ज्यादा ये खींच पाएगा देन ये देन ये देन ये, देन ये। समझ रहे हो ना? ऐसे ही हाँ हाँ तो नहीं कर रहे सब। एन माइनस सबसे बड़ा तो पहले नंबर पे मैं इसका यहाँ पर लिख देता हूँ एन माइनस सबसे बड़ा देन एन देन एन प्लस। ये क्या है? ये आइसो इलेक्ट्रॉन है, आइसो इलेक्ट्रॉन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं तो जिसके पास ज्यादा प्रोटॉन्स होंगे वो ज्यादा जेड इफेक्टिव लगा पाएगा। सबसे ज्यादा प्रोटॉन किसके पास? एफ माइनस के पास। देन एफ माइनस ज्यादा खींच पाएगा तो सबसे छोटा देन ओ माइनस टू देन सी माइनस फोर। क्लियर है? यस सर। अब इसका भी मैं एक्सपेक्टेड वर्जन बताता हूँ। एक्सपेक्टेड तो क्या है? एक्सपेक्टेड तो ये होना चाहिए था कि एच माइनस सबसे छोटा होना चाहिए था क्योंकि फर्स्ट शेल में आता है तो देन एफ माइनस देन सी एल माइनस। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आ रहे हैं हमारी क्या हो रही है? साइज बढ़ रही है, राइट? बट ऐसा नहीं है, गलत हो गया। गलत क्यों हुआ है आप सोचना कुछ। ये नोट किया यहाँ तक? हाँ सर कर लिया। नोट किया बच्चों? यस सर। यस सर। इरेज करूं? ध्यान देना आप, देखो वन ऑन वन की लड़ाई हो रही है। एक आदमी है, मान लो मैं हूँ सुदीप सर एस डी पी से लिख देता हूँ, और एक कोई गुंडा है। ठीक है, अब क्या हुआ, हम दोनों लड़ रहे थे तो इक्वल लड़ाई चल रही थी, एक एक में मारता एक को मारता, लेकिन इस गुंडे ने क्या किया, एक और गुंडे को बुला लिया तो अच्छे से पिटाई हो जाएगी ना मेरी, होगी कि नहीं होगी? एक जने पे दो जने आ गए एकदम से पिटाई हो जाएगी। अगर मान लो कि मेरी टीम में है ना, मेरी टीम में नौ लोग थे और सामने की टीम में भी नौ लोग थे, अच्छे से लड़ाई हो रही थी, इसने एक और मिला लिया तो कुछ ज्यादा फर्क पड़ा होगा क्या हमें?
नहीं पढ़ा होगा ना, अभी भी टक्कर दे रहे होंगे, एक और बुला लेगा तो भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, अभी भी टक्कर दे रहे होंगे। ज्यादा फर्क कब पड़ता है, जब ये नौ और बुला लेता, जस्ट डबल कर लेता, तब तो अच्छे से पिटाई होती सारे इनकी, होती ना। इस केस में क्या हो रहा है, इसमें पहले एक और एक लड़ रहे थे है ना, एकदम से 2x हो गए हैं सामने वाली टीम वाले, कितने हो गए 2x हुए ना, डबल हो गए एकदम से। तो बेचारा इसका जो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है उतना संभाल नहीं पाया, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस उतने दो इलेक्ट्रॉन का अपने से जस्ट डबल इलेक्ट्रॉन्स को संभाल नहीं पाया। तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन हो गए ना, दोनों में लड़ाई हुई, दोनों में रिपल्शन हुआ और एटम बहुत एक्सपांड हो गया। तो ये जो एच माइनस होता है ना, एच माइनस कहाँ गया, एच माइनस, ये एच माइनस, ये इनसे भी बड़ा होता है, क्लोरीन से भी बड़ा होता है, ऑक्सीजन से भी बड़ा होता है, फ्लोरीन से भी बड़ा होता है। तो ये ध्यान रखना है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना वो एकदम से 100% बढ़ गए, डबल हो गए। दूसरे दूसरे एटम्स के साथ ऐसा नहीं होता है। जैसे अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं तो फ्लोरीन के पास प्रोटोन थे 9, इलेक्ट्रॉन थे 9। जब ये एफ माइनस में गया तो प्रोटोन 9 और इलेक्ट्रॉन 10, ओनली 10% इंक्रीज हुए हैं, इलेक्ट्रॉन 10 भी नहीं हुए, 11% कुछ हुए। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? यस सर। एक्सेप्शन समझे, वहां पे तो जस्ट डबल हो गए थे, उसका न्यूक्लियस उतना उसको संभाल नहीं पाया, इस वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन काफी बढ़ गया। मैंने डी ब्लॉक में बताया था ना, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ता है तो साइज बड़ी होती है, डी ब्लॉक का एक्सेप्शन याद है ना। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ा है, तो जो एक्चुअल ऑर्डर होगा वो मैं अभी लिखवा देता हूँ, वो आप याद रख लेना। सिक्स हमारा था क्लोरीन एच माइनस सी एल माइनस, क्लोरीन एच माइनस सी एल माइनस, इसमें कंपेयर करना था तो क्लोरीन सबसे छोटा, देन सी एल माइनस, देन एच माइनस। सेवन से क्लोरीन ओ माइनस टू एच माइनस, तो फ्लोरीन क्लोरीन में क्या है 9 और 10, ज्यादा कौन खींच पाएगा, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन माइनस टू सबसे छोटा, देन एफ माइनस, देन एच माइनस। समझ आया ना क्या हुआ, लिख भी लो इस एक्सेप्शन को, बोलो। हाँ आवाज कट रही है आपकी, समझ आया, एक मिनट रुकना। यस सर। यस समझ आया ये एक्सेप्शन जो था? हाँ सर। गर्ल्स? यस सर। गर्ल्स थोड़ी सोचते हैं इस बेच की, लिख लो ये एक्सेप्शन, देयर इज अ लार्ज डिक्रीज इन जेड इफेक्टिव because of 100% increase in number of electrons, which increases साथ-साथ लिखते चलना बेटा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, ड्यू टू विच साइज इंक्रीजेस क्विकली, ड्यू टू विच साइज इंक्रीजेस। क्लियर है? आयनिक रेडियस
टॉपिक खत्म हो गया, समझ आ गया पूरा किस तरह से क्वेश्चन करने हैं। हमेशा एक ही मेथड फॉलो करो, ज्यादा कुछ थ्योरी पढ़ोगे ना तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, तो हमेशा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन देखो, टग ऑफ वॉर दिमाग में लाओ कि इस तरह से वो दोनों एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, जो ज्यादा खींचेगा तो एटम छोटा, जो नहीं खींच पा रहा है तो उसका एटम बड़ा। क्लियर, आगे चले। हाँ सर, लिख लिया ये। उत्कर्ष, आदित्य बेटा रेस्पॉन्स करो ना, श्रुत, हेरम, आशुतोष, यस सर, अंजलि, यस सर, बेटा यस सर बोलते रहो बीच बीच में। जादेन, जादेन नहीं बोल रहा क्या आज? त्रिशा हो गया? यस सर, समझ आ रहा है ना सभी को? यस सर, यस सर, कर दूं? यस सर। अब आई है सबसे इम्पोर्टेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टी, आयनाइजेशन एनर्जी। एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ा होगा है ना? डेफिनेशन लिखो आयनाइजेशन एनर्जी की। एनर्जी रिक्वायर्ड, देखो बोहर ने क्या बोला था, जब भी इलेक्ट्रॉन लोअर लेवल से हायर लेवल में जाएगा तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और हायर लेवल से मतलब आउटरमोस्ट शेल से भी उसको बाहर आना है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके ही बाहर आएगा, और जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट शेल of an isolated gaseous atom is called ionization energy। ठीक है, क्या होगी ionization energy? जैसे सोडियम का एटम है, सोडियम के एटम के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। उस इलेक्ट्रॉन को हमें बाहर निकालना है, तो उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें क्या देनी पड़ेगी, इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, और एनर्जी क्या होगी, वो आयनाइजेशन एनर्जी होगी, तब ये जाके इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी में। क्लियर? यस सर, यस सर, यस सर। अब मैंने यहाँ पे लिखा है आइसोलेटेड गैसियस एटम, हमेशा इलेक्ट्रॉन है ना गैसियस फेज से ही बाहर निकलने वाला है, एक सेकंड बेटा। हमेशा जो इलेक्ट्रॉन है गैसियस स्टेट से ही बाहर आने वाला है, ये ध्यान रखना, क्योंकि गैसियस एटम क्या होते हैं, थोड़े डिस्टेंस पे प्रेजेंट होते हैं, तो इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना हमारे लिए काफी इजी होता है। मेटल में सारे एटम क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में सारे एटम इस तरह से चिपके हुए होते हैं है ना, तो इस तरह से चिपके हुए एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना काफी डिफिकल्ट होगा, तो हम क्या करेंगे, पहले सॉलिड स्टेट को गैसेस स्टेट में फॉलो करेंगे। क्या कौन सी एनर्जी देके सॉलिड स्टेट से गैस स्टेट में जाने के लिए कौन सी एनर्जी देनी पड़ती है, सब्लिमेशन एनर्जी। नाम सुना है, सुना है नाम? हाँ सर, यस सर, यस सर। जैसे ही हमने
सॉलिड स्टेट को सब्लिमेशन एनर्जी दी है वो किसमें चेंज हो गया, गैसियस एटम। और गैसियस एटम फिर क्या करेगा, एनर्जी लेकर एम प्लस गैस में कन्वर्ट हो जाएगा एंड एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल ले। जो हीट रिक्वायर्ड थी उसको हम क्या बोल रहे हैं, डेल्टा एच, वो किसके बराबर होगी, आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, डेल्टा एच क्या होता है, डेल्टा एच होता है हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन। अब ये जो हीट ऑफ रिएक्शन है ये दो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर ये पॉजिटिव है तो इसको हम मानेंगे कि हीट एब्जॉर्ब हो रही है। हीट एब्जॉर्ब कौन सी रिएक्शन में होती है बोलो, एंडोथर्मिक रिएक्शन में, याद है ना, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक। और डेल्टा एच नेगेटिव है, जीरो से छोटा है, तो हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। हीट रिलीज हो रही है तो रिएक्शन कौन सी है, एक्सोथर्मिक। क्लियर है, जब भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो हमेशा हीट को उस एटम को देना होगा, हीट उस वो एब्जॉर्ब करेगा तब जाके वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा, ये हमें ध्यान रखना है। इसकी यूनिट क्या होती है आयनाइजेशन एनर्जी की, ये नोट किया क्या बेटा? सर वन मिनट नोट करो जल्दी। मजा है ना एनर्जी आखिर होती है, इलेक्ट्रॉन को अपना एटम बाहर निकालना है तो वो हीट या एनर्जी दो की इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, उस एनर्जी को हम आयनाइजेशन एनर्जी बोल रहे हैं। क्लियर कर दू रेस? यस सर। यूनिट क्या होगी इसकी, एनर्जी की यूनिट होती है, लेकिन हम ज्यादातर इस चैप्टर में ईवी पर एटम यूज करने वाले हैं। ठीक है, और 1 EV आपको पता ही है क्या होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹। तो ये इसकी यूनिट होगी। अब देखो यहाँ पर हम इसी में सेकंड टॉपिक देख रहे हैं, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, ध्यान देना ये अच्छा टॉपिक है। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, कोई हमारे पास न्यूट्रल एटम है गैसियस स्टेट में, उससे हमने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो वो मोनोवेलेंट कटायन में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे जो आयनाइजेशन एनर्जी निकली होगी, एब्जॉर्ब हुई होगी, उसको मैं बोल रहा हूँ IE1। अब मैंने क्या किया, ये कटायन वापिस से लिया है एम प्लस गैस, इससे एक और इलेक्ट्रॉन निकाला है तो वो कन्वर्ट हो गया होगा एम टू गैस में, प्लस एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। अब मैं यहाँ पर जो आयनाइजेशन एनर्जी मुझे देनी पड़ रही है वो उसको क्या बोल रहा हूँ, IE2। अब वापिस से मैंने ये वाला कटायन लिया है M प्लस 2 गैस और उससे एक और इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ, तो मैं एक क्या किस में चेंज हो जाएगा, M प्लस 3 गैस में, और इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, IE3। अगर मैं कंपेयर करूँ IE3 IE2 IE1 को तो कैसे कंपेयर करूँगा, खुद से ध्यान से देखना। मैं इसी को है ना एल्यूमिनियम के केस में लिख रहा हूँ, एल्यूमिनियम से पहला इलेक्ट्रॉन निकाला मैंने और वो कन्वर्ट हो गया Al प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, इसको बोल रहा हूँ IE1। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला Al प्लस से तो वो कन्वर्ट हो गया Al प्लस 2 में प्लस इलेक्ट्रॉन, इसको बोल रहा हूँ IE2। और तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाला Al प्लस 2 से, वो कन्वर्ट हो गया Al प्लस 3 में, और इसको बोल रहा हूँ मैं IE3। क्लियर, अब देखना इसको ध्यान से देखना, मैं कंपेयर कर रहा हूँ एम को जिससे मैंने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला था, एम प्लस को और एम प्लस टू को, इन तीनों से एक एक बार इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ मैं, इससे इससे या फिर इससे, इससे अच्छा मैं एल्यूमिनियम को कंपेयर कर लेता हूँ ताकि आप थोड़ा फील कर सको। ध्यान देना बच्चों, काफी अच्छा कंसेप्ट है, एल्यूमिनियम Al प्लस और Al प्लस 2। ठीक है, ध्यान देना, सारे इधर उधर से ध्यान हटा दो, यहाँ पर ध्यान दो,
प्रोटोन यहाँ पर अभी भी 13 है, 13 है, 13 है। इलेक्ट्रॉन देखो, इलेक्ट्रॉन इस केस में क्या है, इस केस में तो 13 ही है, यहाँ पर 12 हो गए, यहाँ पर 11 हो गए। अब मुझे बताओ जेड इफेक्टिव सबसे ज्यादा किस में लग रहा होगा? बोलो Al+2 में जेड इफेक्टिव सबसे ज्यादा लग रहा होगा ना, मतलब सबसे पावरफुल न्यूक्लियस इसका है। अब ये इलेक्ट्रॉन को तो अपने तरफ खींच रहा होगा न्यूक्लियस की तरफ, लेकिन इलेक्ट्रॉन को हम क्या चाह रहे हैं, बाहर निकालना, तो हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा ना उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, 11th इलेक्ट्रॉन को, होगा कि नहीं होगा? Yes. अरे yes, ये एटम होता है, ये एटम है, इस इलेक्ट्रॉन को हमें बाहर निकालना है, लेकिन ये जो अंदर वाले महाराज हैं ये और पावरफुल होते जा रहे हैं, ये इस इलेक्ट्रॉन को अंदर खींचने लग गए, तो मुझे और ताकत लगानी पड़ेगी ना इसको देने में, और एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इस केस में सबसे ज्यादा एनर्जी किसको देनी पड़ रही है, Al+2 को, Al+ को कि Al को? सोचो, जब तक सोचोगे नहीं समझ नहीं आएगा ये पॉइंट। Al+2 को देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी? क्योंकि यहाँ पे Z इफेक्टिव काफी ज्यादा हो गया है, है ना, मोर नंबर ऑफ प्रोटोन Z इफेक्टिव दे रहे हैं, लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, तो Z इफेक्टिव बढ़ गया है, तो हमें उतनी ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो हमेशा क्या होने वाला है, IE3 बड़ा होने वाला है किससे, IE2 से और IE1। बोलो समझ आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। बोलो। यस सर। पक्का? पक्का? यस सर। नोट करो, नोट करो, जल्दी नोट करो, आगे पढ़ते हैं फिर। सबसे इम्पोर्टेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टी है बेटा, ध्यान लगाए रहना, इधर उधर ध्यान जाए तो मुझे बता देना, पर्सनली मैसेज कर देना, दोबारा समझाऊंगा। क्यों IE3 सबसे बड़ा था? क्योंकि IE3 के केस में उसको ज्यादा जेड इफेक्टिव फोर्स लगा है, ज्यादा न्यूक्लियर फोर्स लगा है, तो उसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। जैसे जैसे एक एक, एक इलेक्ट्रॉन निकलता जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। क्लियर? ये जो ऑर्डर लिखा है मैंने, ये सेम एलिमेंट के लिए लिखा है, ध्यान रखना, सेम एलिमेंट, मतलब एलिमेंट सेम होना चाहिए, एल्यूमिनियम था जैसे इस केस। किया नोट? बता देना जब भी हो जाए। हरी, हरी बेटा समझ रहे हो? यस सर। वीडियो ऑन करो ना। चलो, आ रहा है समझ? यस। बोलो ना। लिख लिया सर। चलो अब देखो, नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करने वाले हैं? पहला फैक्टर है साइज। साइज कैसे अफेक्ट करने वाला है देखना। साइज हमें पता है कि जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं हम, हमारी डिक्रीज होते जाती है, डिक्रीज होते जा रही है, मतलब एल्यूमिनियम सबसे छोटा, देन मैग्नीशियम, देन साइज छोटी होते जा रही है, तो डिस्टेंस कम होती जा रही होगी ना। बोलो बोलो। यस। सभी में तीन तीन शेल थे, सभी में तीन तीन शेल थे, लेकिन साइज छोटी होती जा रही है, तो ये जो डिस्टेंस है आउटर मोस्ट शेल और न्यूक्लियस के बीच की, ये कम होती जा रही है, तभी तो साइज छोटी हुई है, एटम श्रिंक होता जा रहा है। अब छोटा एटम है तो छोटे एटम से न्यूक्लियस की डिस्टेंस पास होगी ना। आप कंपेयर करो कि ये हाइड्रोजन का एटम है इस तरह का, और उसके बाद लिथियम का एटम है इस तरह का,
तो साइज किसकी बड़ी है? लिथियम की बड़ी है ना, हाइड्रोजन की तो छोटी है। डिस्टेंस क्या हुई? कम हुई ना, हाइड्रोजन की डिस्टेंस कम थी, तो इस पे न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा लग रहा होगा ना। डेड इफेक्टिव हाइड्रोजन के लिए ज्यादा है, किससे? लिथियम से, क्योंकि साइज क्या थी, साइज क्या थी? छोटी थी हाइड्रोजन की। बोलो, समझ आया? यस सर। अब देखो यहाँ पर एटम है, आउटरमोस्ट शेल में एटम है, यहाँ से न्यूक्लियस की डिस्टेंस कम थी सोडियम के केस में, ज्यादा थी सोडियम के केस में, एल्यूमिनियम के केस में कम थी। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जैसे जैसे साइज बढ़ रही है, हमारी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही होगी? कम हो रही होगी। मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोल सकता हूँ क्या मैं इसको? साइज इंक्रीज हो रही है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है, साइज कम हो रही है तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है। क्यों? साइज के बढ़ने से क्या मतलब है? बढ़ने से न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ रही है, तो न्यूक्लियस से दूर आता जा रहा है ना आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लो कि ये कोई कंट्री का प्रेसिडेंट है ना, जैसे ये अभी अफगानिस्तान का ये एग्जांपल ले लो, ये अशरफ गनी, अशरफ गनी के चारों ओर उसके सोल्जर्स खड़े हुए हैं, ठीक है, तो तालिबान वाले अटैक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये सोल्जर अशरफ गनी से दूर दूर खड़े होते तो तालिबान वाले अपने आप अटैक करते, इसको मार देते। समझ रहे हो ना? ये कौन है? ये हमारा सोल्जर से, ये अशरफ गनी। अगर ये सोल्जर पास में आ गए इसके, तो इजीली हमको इसको निकालना डिफिकल्ट होगा, क्योंकि न्यूक्लियस ज्यादा पावरफुल हो गया, पास में ही है। लेकिन अगर दूर चला गया न्यूक्लियस, तो इसको इजीली निकाल लेंगे, कम आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। समझ आया? समझ आया कि नहीं? यस सर। मतलब साइज बड़ी होगी तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, साइज छोटी होगी तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। क्लियर है ना? दूसरा फैक्टर भी सिंपल ही है, जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जितना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, हमें उतनी ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ये बात समझते हो ना? जितना ज्यादा पावरफुल न्यूक्लियस होता जाएगा, उतना ही उससे इलेक्ट्रॉन निकालना हमारे लिए डिफिकल्ट होता जाएगा, उतनी ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। बोलो, समझ आया? यस सर। बोलो। यस सर। यस सर। थर्ड है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपको तीन तरह की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाई होगी एटॉमिक स्ट्रक्चर में। एक होती है फुल्ली फिल्ड, और एक होती है हाफ फिल्ड, और तीसरी होती है पार्शियली फिल्ड। पढ़ाई है क्या? ये नहीं पढ़ाई हो तो देखना। मैं अगर मैग्नीज की बात करूं, मैग्नीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? आर्गन 4s2 3d5, यही होती है ना। यहां तक के तो सारे फुल्ली फिल्ड होंगे, हमें देखना है इस वाले को, ठीक है। अब इसमें देखना, डी के पांच बॉक्स बनाएंगे, कल ही क्वांटम नंबर पढ़ा है हमने। हेलो यस सर। है ना? कैसे भरेंगे इसमें? पांच इलेक्ट्रॉन ऐसे भर देंगे जब तक हमारे पेयरिंग स्टार्ट नहीं करेंगे, जब तक सब हाफ फिल्ड ना हो जाए। तो इस कॉन्फ़िगरेशन को क्या बोलूंगा मैं? हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, समझे? अगर मैं चार इलेक्ट्रॉन भरता इसमें, चार भरता, तीन भरता, दो भरता, छह भरता, जैसे मैंने एक भरा तब भी ये पार्शियली फिल्ड है, दो भरा तब भी पार्शियली फिल्ड है, तीन भरा तब भी पार्शियली फिल्ड है, एक बॉक्स ज्यादा बन गया इसमें। एक भरा तब भी पार्शियली है, दो भरा तब भी पार्शियली है, तीन भरा तब भी पार्शियली है, चार भरा तब भी पार्शियली है, पांच भरते ही क्या हो गया? हाफ फिल्ड हो गया। छह भरते वापस से किसमें चला गया? पार्शियली में। सात भी पार्शियली है, आठ भी पार्शियली है, नाइन भी पार्शियली। टेन में, टेन भरते किसमें चला जाऊंगा? फुल्ली फिल्ड। समझे क्या होती है पार्शियली, फुल्ली एंड हाफ फिल्ड? बोलो। यस सर। अगर हर ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन चले जाएं तो वो फुल्ली फिल्ड, और हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाए तो वो हाफ फिल्ड, और हर इलेक्ट्रॉन कोई ना कोई सा ऑर्बिटल खाली रहे, या इस तरह का हो जैसे छह इलेक्ट्रॉन भरने, तो छह इलेक्ट्रॉन वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पार्शियली फिल्ड ही कहलाएगी।
ये क्या है हमारा पार्श लिपिड। अब आपको ये बताया गया है कि हाफ फिल्ड सबसे ज्यादा स्टेबल होता है देन सॉरी फुल्ली फिल्ड सबसे ज्यादा स्टेबल होता है देन हाफ फिल्ड देन पार्शियली फिल्ड। ये तो पता होगा आपको, कहाँ बताया होगा? एक क्रोमियम के केस में तो हाफ फिल्ड की वजह से आउटर का एक इलेक्ट्रॉन इनर में आ गया था, और फुल्ली में कॉपर के केस में, याद है ना? इनर शेल को मोर स्टेबल बनाने के लिए आउटर का इलेक्ट्रॉन इनर में आ गया था, याद है ना? इस वजह क्यों आया था? स्टेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए। तो स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होता है वो सबसे ज्यादा फुल्ली फील्ड स्टेबल होते हैं देन हाफ फील्ड देन पार्शियली, याद रहेगा? यस सर। बोलो अब एक चीज बताओ, मैं मान लो कि मैं है ना मैं गूगल में काम करता हूँ, चलो गूगल तो बहुत बड़ी कंपनी होगी, इंफोसिस में काम करता हूँ। अब इंफोसिस में काम करते हुए मेरे पास ऑफर आया कि एक छोटे से स्टार्टअप से ऑफर आया कि आप हमारे पास आ जाओ, तो क्या मैं वो ऑफर एक्सेप्ट करूंगा? बोलो, ऑफर एक्सेप्ट नहीं करूंगा ना। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि मैं एक स्टेबल कंपनी से निकलकर कम स्टेबल अनस्टेबल कंपनी में नहीं जाना चाहूंगा, मुझे मेरा फ्यूचर सिक्योर नहीं लगेगा उस वाली छोटी कंपनी में, राइट? तो कोई भी जो स्टेबल है वो अनस्टेबल तो नहीं होना चाहेगा। जो जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड थी वो मतलब स्टेबल थे, तो अगर वो इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? वो पार्शियली फील्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब अनस्टेबल हो जाएंगे। तो अनस्टेबल तो वो एटम नहीं होने वाले ना, नहीं चाहेंगे कि वो अनस्टेबल हो। तो अगर वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से पार्शियली फील्ड मतलब अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में जाना चाहते हैं तो वो नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो, और नहीं चाहेंगे तो उनके उनसे इलेक्ट्रॉन निकालने में हमें ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, है ना? अब मुझे इंफोसिस छोड़ने के लिए सामने वाले को डबल ट्रिपल पैकेज मुझे देना पड़ेगा, तब जाके मैं करूंगा। अगर मैं गूगल में काम करता सॉरी इंफोसिस में काम करता हूँ, गूगल से ऑफर है, तो मैं तो बिना सोचे समझे शायद सेम पैकेज पे चला जाऊं ना, क्योंकि वहां पे जाके मेरी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो मैं सेम पैकेज में भी चल गया, मतलब उनको कम पैकेज में ही मुझे ले लिया, समझ रहे हो? तो कोई भी एटम तब तक इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेगा जब तक उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही हो, लेकिन अगर उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही हो ना तो वो एटम देना पसंद नहीं करेगा, उस केस में हमें ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी उसको देनी पड़ेगी, समझ आया? बोलो। हाँ सर। बोलो। यस सर। देखो मैं अभी तो आपको एक और वो बता देता हूँ, फिर इसके ऊपर है ना हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ये जो थर्ड नंबर का उसका एक लास्ट फैक्टर देख लो, पेनेट्रेशन प्रावर्स। ऑब्सॉर्प्शन, ये भी हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि जो पेनेट्रेशन पावर होती है वो एस की सबसे ज्यादा होती है, देन पी की, देन डी की, देन एफ की। मतलब एस सबशेल वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस से सबसे पास होते हैं, सबसे करीब होते हैं, देन पी वाले, देन डी वाले, देन एफ वाले, ठीक है? तो सबसे जो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर होगा वो एस से सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि वो न्यूक्लियस से सबसे पास थे, एस वाले इलेक्ट्रॉन को निकालना हमारे लिए काफी टफ होने वाला है, देन पी, देन डी, देन एफ, ध्यान दे जाएगा? बोलो। यस सर। ये नोट कर लो जल्दी से, फिर हम ट्रेंड देखते हैं इसके, फिर क्वेश्चन करते हैं, एक्सेप्शन देखते हैं, जल्दी नोट करो। रितेश, रितेश राज। यस सर। समझ रहे हो ना? हाँ सर। ओम, ओमकार, नितिन, आयुष, कोई तो बोलो, चार पांच नाम ले दिए। यस सर। नितिन, आयुष। यस सर। इसको नहीं आ रहा। नितिन बेरा। यस सर। नो सर। लिख लिया? नो सर।
यस सर कर दो रेस वन मिनट सर करो बेटा जल्दी टाइम लग मत लगाओ जाने डन सर अब देखो ट्रेंड ट्रेंड मतलब पहला हम देखेंगे लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाएंगे तो साइज क्या होती है डिक्रीज जेड इफेक्टिव क्या होता है इंक्रीज तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी इंक्रीज होगी क्लियर क्योंकि आयनाइज जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल दूसरा डाउन द ग्रुप आएंगे तो साइज इंक्रीज होगी तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी डिक्रीज होगी क्लियर इजी है ना चलो अब क्वेश्चन करते हैं अपन ये ट्रेंड तो इजी था क्वेश्चन देखना अरेंज एलिमेंट ऑफ पी वन मतलब पीरियड वन पीरियड टू एंड पीरियड थ्री इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी ठीक है ये लिख लिया ट्रेंड ऊपर के सर लिख लिया अब देखना पीरियड वन में कौन आते हैं पीरियड वन में ओनली दो एलिमेंट आते हैं हाइड्रोजन एंड हीलियम हाइड्रोजन एंड हीलियम में अगर हम कंपेयर करें तो देखो यहाँ पर तो 1s1 है यहाँ पर क्या है 1s2 है स्टेबल है स्टेबल से निकालना हमारे लिए टफ होगा तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ठीक है ना इनर्ट गैस से और लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो भी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है तो ये भी देख सकते हैं ये लेफ्ट में था ये राइट में था लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी क्लियर है पीरियड टू में देखना पीरियड टू में देखो लिथियम आता है बेरिलियम आता है बोरोन आता है कार्बन आता है नाइट्रोजन आता है ऑक्सीजन आता है फ्लोरीन आता है नियोन आता है अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखनी पड़ेगी हमने लिखा था ना हाफ फील्ड फुल्ली फील्ड पार्शली तो फुल्ली फील्ड सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं देन हाफ फील्ड देन पार्शियली फील्ड लिथियम का क्या आएगा 2s1 ये आएगा 2s2 ये आएगा 2p1 2p2 2p3 2p4 2p5 एंड 2p6 कौन-कौन सी हाफ फील्ड फुल्ली फील्ड और पार्शियली फील्ड है तो देखो ये आपको फुल्ली फील्ड दिख रहा होगा दिख रहा है फुल्ली फील्ड Yes. बोलो ये आपको हाफ फील्ड दिख रहा होगा नाइट्रोजन याद है ना पी में 6 भरते हैं लेकिन 3 ही भर रहे हैं तो हाफ फील्ड इस तरह का इसका बॉक्स बनेंगे 3 एक 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 तो हो गया ना पार्शियली हाफ फील्ड दिखा यस सर एक और है फुल्ली फील्ड कौन सा नियोन वाला क्लियर तो इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा टफ होने वाला है कितना टफ बस एक पोजीशन अप कर देना इसको देखो सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी किसको देनी पड़ेगी सबसे कम देनी पड़ेगी लिथियम को ठीक है लिथियम के बाद अब बेरिलियम से तो टफ था तो किसको दे देंगे हम बोरोन को देन फिर आ जाएगा बेरिलियम एक ही पोजीशन आगे बढ़ा देना तो. समझ गए बेरिलियम के बाद कौन आ गया कार्बन हाँ लेकिन सबसे इजी इलेक्ट्रॉन निकालना तो फर्स्ट शेल वालों को ही होगा अरे सबसे अच्छे मेटल कौन होते हैं जो राइट हैंड कॉर्नर पे होते हैं वो सबसे अच्छे मेटल के होते हैं क्योंकि इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं
वो जब हम सबशेल्स को कंपेयर कर रहे हैं, एटम को कंपैरिजन में नहीं लाना वो वाला रूल, जब सबशेल को कंपेयर कर रहे हैं तब। क्लियर? ओके सर, यस सर। कार्बन देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को पहले क्यों लिया, क्योंकि नाइट्रोजन हाफ फिल्ड था, उसमें थोड़ी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ऑक्सीजन से ज्यादा आ जाएगा नाइट्रोजन। देन फ्लोरीन, देन नियोन, नियोन तो ऑफकोर्स सबसे ज्यादा ही होने वाला। आया समझ में? ये एक्चुअल करेक्ट वर्जन का क्या करना है, एक पोजीशन आगे कर देना जो आपको पार्शियली फुल्ली और हाफ फील्ड में देखकर। पीरियड नंबर थ्री, पीरियड नंबर थ्री में कौन आते हैं, सोडियम आता है, मैग्नीशियम आता है, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, देन आर्गन। यहाँ पर मैग्नीशियम के पास होगा फुल्ली फिल्ड, देन फास्फोरस के पास, देन आर्गन के पास। क्या करेंगे, एक पोजीशन आगे कर देंगे, तो क्या होगा इसका एक्चुअल ऑर्डर, सोडियम सबसे कम, देन आ जाएगा एल्यूमिनियम, उसके बाद आएगा मैग्नीशियम। फ्लिप कर दिया हमने बस, और कुछ नहीं किया। सिलिकॉन, देन सल्फर आ जाएगा, देन फास्फोरस, समझ रहे हो ना, क्लोरीन, देन आर्गन। क्लियर? यस सर। नोट करो, हो गया? डन सर। अब देखना क्वेश्चन है सर, लास्ट जीवन एंड, हाँ मैं बता रहा हूँ जी टू के एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना, ग्रुप वन एंड ग्रुप टू करो, जिसका हो गया वो ग्रुप वन एंड ग्रुप टू, कोई एक्सेप्शन नहीं है, बस जो ट्रेंड लिखे हैं उस अकॉर्डिंग उसको अरेंज करके देखो। हो गया? Yes, sir, done, sir. ग्रुप वन कौन होते हैं, ग्रुप वन होते हैं लीना की रब से, एफ आर को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, एफ आर रेडियो एक्टिव है। ग्रुप टू होते हैं बेटा मांगे का, ठीक है। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आएंगे हमारी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, मतलब क्या होगा ऑर्डर, सीजियम का सबसे कम, देन रुबिडियम, देन पोटेशियम, देन सोडियम, देन लिथियम। ये तो हो गया ग्रुप वन। यहाँ पर बेरियम, देन स्ट्रोंशियम, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, देन बेरिलियम, ये हो गया ग्रुप वन। कोई एक्सेप्शन नहीं है, ध्यान रखना। क्लियर है? अगर आपसे पूछा जाए मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी पीरियोडिक टेबल में, तो खुद से सोच के बताओ, पीरियोडिक टेबल कैसी दिखती है, इस तरह की दिखती है ना, हाँ इस तरह की दिखती है। हम देख रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है, मतलब जो राइट कॉर्नर पे होंगे उनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है,
कम होती है, मतलब यहाँ पर ऊपर ही ऊपर जो एटम होगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, फिर जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। तो कौन है राइट हैंड कॉर्नर पे ऊपर ही ऊपर? हीलियम है ना, बोलो। यस सर। मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी हीलियम की होगी, एच की, क्योंकि ये स्टेबल भी है और छोटा भी है, न्यूक्लियस से डिस्टेंस काफी कम है आउटर मोस्ट शेल की, तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना हमारे लिए काफी टफ है। मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? मिनिमम किसकी होती है? फर्स्ट शेल वालों की, इजीली इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट ग्रुप वालों की, इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, है ना। और उसमें भी सबसे नीचे जो होगा उसकी मिनिमम होगी, सबसे नीचे आता है फ्रेंशियम, लेकिन फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव होने की वजह से वो नॉर्मल प्रॉपर्टीज फॉलो नहीं करता है, तो किसकी मानेंगे हम? सीजियम की। इसलिए सीजियम को है ना फोटो सेल्स में काम में लेते हैं। पढ़ा है ना एटॉमिक स्ट्रक्चर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? तो जो उसमें इलेक्ट्रोड ले रहे थे हम, फोटो सेंसिटिव मेटल जो ले रहे थे, वो सीजियम के बन सकते, ध्यान रहेगा ना। नोट कर लिया? यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 3। IE1 and IE2 कंपेयर करनी है ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ठीक है। पहले IE1 को कंपेयर करते हैं, उससे पहले हम नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखते हैं। क्या होगा ऑक्सीजन का? 1s2 2s2 2p4, नाइट्रोजन होगा 1s2 2s2 2p3। कौन सी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है? 2p3 से ज्यादा एनर्जी, नाइट्रोजन में ज्यादा एनर्जी लगेगी ऑक्सीजन से, कौन सी वाली? IE1 वाली, मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, क्लियर है। अब लेकिन एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हैं तो 2p4 कन्वर्ट हो गया होगा 2p3 में, और ये कन्वर्ट हो गया होगा 2p2 में। अब हमें इनसे निकालना है दूसरा इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हो। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अब किस में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी? ऑक्सीजन में, मतलब IE2 किसकी ज्यादा होगी? ऑक्सीजन, समझे क्वेश्चन? इजी है ना। नोट करो और एक और क्वेश्चन करो फिर। क्वेश्चन नंबर 4, कंपेयर IE1 and IE2 ऑफ Cr एंड मैग्नीज, क्रोमियम एंड मैग्नीज को कंपेयर करना। ये ऊपर वाला नोट कर लिया ना? मयंक कहाँ गया? हेराम अंजे हो रहे हैं क्वेश्चन? हरी प्रथमेश पावर, यस सर। पावर हो रहे ना? नहीं आई है बेटा, मैं नेक्स्ट पेज पे करूं सॉल्व? सर एक मिनट, ध्यान देना अभी। हेलो सर, हो गया।
होगी। अब देखो क्रोमियम की इलेक्ट्रोनिफिकेशन लिखूं तो यही होती है आर्गन 3d5 4s1, याद है ना। क्रोमियम में हमने थोड़ा सा डिफरेंट देखा था। देन लिखूं मैं अगर मैग्नीज की तो आर्गन यस सर 3d5 4s2 4s2। पहला इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? आउटर मोस्ट शेल से। मतलब ये तो इजीली निकाल देगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन निकलते ही इसकी कॉन्फिगरेशन हो जाएगी 3d5। बट ये थोड़ा सा डिफिकल्टी से निकालेगा क्योंकि ये अभी क्या है, फुल्ली फील्ड में, राइट। तो मैं अगर IE1 को कंपेयर करता हूँ तो मैग्नीज में हमें ज्यादा देनी पड़ेगी क्रोमियम से, क्लियर। लेकिन अगर मैं IE2 को कन्वर्ट करता हूँ तो IE2 के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक कौन होगी कि नहीं? Yes. IE2 ज्यादा होगी किससे? समझ आया? बोलो। यस सर। यस सर। नोट करो, नोट करो। अभी बिल्कुल सिंपल लेवल वाले क्वेश्चन किए हमने, कंपैरिजन वाले। कुछ और टाइप के भी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें अलग अलग IE1 IE2 IE3 दे दिए जाएंगे और आपसे वैलेंसी पूछेगा, उस कंपाउंड का फॉर्मूला पूछेगा। तो वो क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे और इसके एक्सेप्शन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। शायद नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए, नहीं होगा तो शायद 1.5 क्लास लग सकती है, ठीक है। उसके बाद मोल कॉन्सेप्ट पढ़ना है ना, मोल कॉन्सेप्ट नहीं हुआ ना आपका? ठीक है, लिख लिया एक रिवीजन yes, करके sir. आना नेक्स्ट yes, क्लास में भी। इसके ये सबसे इम्पोर्टेंट हमारी पीरियडिक प्रॉपर्टी थी, इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट चल रहा है। तो रिवीजन टाइम पर करके आना, एक्सरसाइज 1 सोल्व करने लग जाओ टॉपिक वाइज ही, क्योंकि वो जो जो टॉपिक कंप्लीट हो गए उसकी एक्सरसाइज 1 सोल्व कर लो, ठीक है। फिर हम जब चैप्टर हो जाएगा तो एक्सरसाइज करेंगे। है ना? Yes, yes. चलो बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।